Okay, hi everyone. So I presume you have completed lecture number 9 तक हम लोग का हो चुका है. हम लोगों ने last topic पढ़ाई किया था class के अंदर. टॉपिक का नाम था source of material consumed. उसके ऊपर अपन दो क्लास किया था, एक बेसिक किया था और फिर हम लोग ने कितना एग्जाम्पल्स किया था, चार एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था. टुडे इज द प्रैक्टिस क्लास एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का लास्ट क्लास होगा. दैट इज योर लेक्चर नंबर 10. कुछ स्टूडियो स्टूडेंट्स है जो लेक्चर मेंटेन करते हैं उनके लिए. क्या मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला बता सकते हो क्या गाइस? ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आई होप दैट्स ओके फॉर एवरीवन. जो कैश परचेज है वो आरएनपी से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? और हम लोग को क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर्स. With the help of what? Is that okay for everyone? Chal, yes. Example. RNP. ये हम लोग का जो साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या साइड होता है? तो रिसीव्ड रुपीस, पेमेंट रुपीस. इज दैट ओके? अब पेमेंट साइड में लिखा हुआ है बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. अगर आपको याद होगा बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब ये पेमेंट साइड पे है. इसका ये मतलब है ये वो पैसा है जो हमने किसको दिया है. रिप्लाई खराब था. तो बाई क्रेडिटर्स फॉर क्या लिखा है हमने? 3 लाख. तो बाई क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना रुपया लिखा है मैंने? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? बाई कैश परचेजेस 80,000. So, उम्मीद लगा रहा है आपको ये बात मेरा याद है कि आरएनपी के अंदर दो ही चीज आएगा. एक है पेमेंट मेड टू, आई नीड योर रिप्लाई. एक क्या है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर. एंड व्हाट इज द सेकंड आइटम? कैश परचेजेस. कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ आ गया यहाँ तक? एडिशनल इंफॉर्मेशन. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. Stock of sports material 1,418, 1,20,000, 31,319, 1,50,000. Is that okay for everyone? Next item hai creditors for sports material. हम लोग को क्रेडिटर्स का डेटा चाहिएगा क्या कैलकुलेट करने के लिए? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है 45,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 60,000. इज द डेटा ओके फॉर एवरीवन? आपको कैलकुलेट करना है द कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम. मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप करोगे.
आपका रिप्लाई का जरूर वेट करेगा। क्या यहाँ तक हो किया है आप लोग सॉल्व, ट्राई किया है? अभी तक को हो तो जाना चाहिए था, हो गया है क्या? उम्मीद लगा रहा सबका पहले का साल लेक्चर अपडेटेड है, तभी ये लेक्चर समझ आएगा। हुआ है आप लोग का सम, ठीक है। तो सबसे ऊपर में हेडिंग लिखेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कैन यू गाइस गिव मी द फॉर्मूला इफ यू कैन? स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस व्हाट? क्रेडिट परचेजेस माइनस, अब व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? ये जो कैश परचेज का डेटा है, कैश परचेज का जो डेटा है वो हम लोग को कहां से मिलेगा, अगर कोई बता सकता है तो कितना, अगर कोई ये बता सकता है? 80,000। 120,000 प्लस कितना? 80,000। क्रेडिट परचेस पता है या निकालना पड़ेगा? सो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई ये बता सकता है तो? अब एक चीज निकालना है, क्या निकालना है अगर कोई इसका आंसर कर सकता है? तो क्रेडिट परचेस निकालने के लिए मैं किसका लेजर बनाऊंगा? अब ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जिससे मैं गुड्स खरीदता हूँ उसको मैं ओवरऑल पता है क्या बोलता हूँ? सप्लायर्स। अगर मैं उधार में खरीदूंगा तो क्या बोलूंगा? ट्रेडर्स। क्या यहाँ पे एडवांस का डेटा है क्या? अगर एडवांस का डेटा हो तो मैं सप्लायर का लेजर बनाता हूँ, पर यहाँ पे मैं किसका लेजर बना रहा हूँ? ट्रेडर। ट्रेडर इज अ वर्ड गाइस। तो बाई बैलेंस बी डी, बताओ बाई बैलेंस बी डी ट्रेडर्स 40, फिर 2 बैलेंस सी डी, इतना क्लियर है? अब क्रेडिटर्स को जो हमने पे किया है वो डेटा अपने को चाहिएगा, और वो डेटा अपने को मिलेगा आरएनपी से। तो मैंने क्रेडिटर को टोटल में कितना रुपया पे किया है? 3,00,000। 3,00,000 जो क्रेडिटर को पे किया है, इसका एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 3,00,000। इज दैट ओके? तो मिसिंग फिगर क्या आएगा? 3,00,000 कितना? तो मेरा परचेजेस कितना रुपया हो गया? आंसर कितना आएगा अगर? 3,00,000। चलिए बताइए समझ आया है नहीं? पूरा बैच आंसर आया आप लोग सबका? नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 6 होगा क्या शायद ये? आपस में वार्तालाप नहीं करेगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,419। Obviously, क्या स्टॉक है? एवरीवन नोज इट ऑलरेडी। क्या स्टॉक है? नेक्स्ट, इन लोग ने डेटा हमें लिख के दिया है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अमाउंट पेड टू क्या लिख के दिया इन्होंने? क्रेडिटर्स 3,00,000। Creditors for sports material one for 19, 1,00,000। Creditors for sports material 31,320,
80,000 कैश परचेस। अब स्पोर्ट्स मटेरियल, वन लाख 30,000 देर वेर नो देर वॉज जीरो स्टॉक एट द एंड, देर वॉज जीरो स्टॉक एट द एंड। मतलब आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक को कितना लेना है यहाँ पे ट्राई करके देखिए, आपसे होना चाहिए वेरी इजी डेटा। अगेन जब तक खुद से करना नहीं आएगा देयर इज नो पॉइंट। कितना आएगा? हो गया क्या? चलिए देखते हैं क्या किया है। सबसे पहले तो फॉर्मूला आराम से लिख लेते हैं अपन। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या, अगर आप जल्दी से बता सकते हैं। कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस, क्या यहां तक सबके लिए क्लियर है क्या? कैन यू टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक वेरी क्विक? कैश परचेजेस डायरेक्टली लिख के देना पड़ेगा इन लोग को, कितना है कैश परचेजेस। क्रेडिट परचेज अपने को निकालना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक जीरो है। और क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हम लोग किसका लेजर बनाएगा? उम्मीद लगा रहा अब तक तो रिदम में आ गया होगा। क्रेडिटर्स इज अ व्हाट? लायबिलिटी। तो व्हाट इज माय ओपनिंग बैलेंस? व्हाट इज माय बैलेंस बीडी? व्हाट इज माय बैलेंस सीडी? फिर टू बैंक कितना? बाय परचेजेस ये 2,80,000 इज आवर क्रेडिट परचेजेस। चलिए बताइएगा आएगा कितना? 4,00,000 ये हम लोग का एक्सपेंस बन गया है। इतना रुपया का मटेरियल हमने पूरे साल में कंज्यूम किया है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कौन सा एग्जाम्पल नंबर था ये? एग्जाम्पल नंबर 7। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1,418,31,390। तो मेरा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के अंदर मेरा ओपनिंग क्रेडिटर है 40,000 और मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर है 58,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड, ड्यूरिंग द ईयर द पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स
अमाउंटेड टू ड्यूरिंग द ईयर द पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 1,62,000 स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश स्टेशनरी परचेज्ड इन व्हाट कैश ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी परचेज्ड इन व्हाट ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ टोटल परचेजेस स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 25% ऑफ द टोटल परचेजेस करिए सम ऐसा सम किया था आप लोग खुद से ट्राई करिए
गाइस, सबसे पहले तो लगाइए फॉर्मूला और बताइए फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इज दैट ओके? व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक गाइस एंड व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? अब कैश परचेज भी नहीं पता, क्रेडिट परचेज में तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर का लेजर फुल स्पीड के अंदर। बाई बैलेंस बीडी कितना है? टू बैलेंस सीडी, इज दैट ओके फॉर एवरीवन? अब हम लोग ने क्रेडिटर को कुछ रुपया पे कर दिया है, तो टू बैंक 1 लाख और इससे अपने को मिलेगा बाई परचेजेस 1,80,000 इज आवर क्रेडिट परचेजेस, वो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा प्लस। और इन लोग ने बोला है जो हम लोगों ने स्टेशनरी परचेज किया इन कैश वो 25% ऑफ द क्या है टोटल, तो मेरे को लेना पड़ेगा लेट द टोटल परचेज बी व्हाट? अगर मेरा टोटल परचेज एक्स है तो मेरा कैश परचेज कितना है गाइस? 25% ऑफ व्हाट? एक्स, इज दैट ओके गाइस? तो 0.25x, यू नीड टू बी ओके विद सो मच मैथ्स। 25% मतलब क्या? 0.25x, ये कैश परचेज है। अब मैं प्लस करूंगा क्रेडिट परचेज, व्हाट इज माय क्रेडिट परचेज? ये दोनों को मिला के आना चाहिए टोटल परचेज विच इज इक्वल टू व्हाट? एक्स। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू एक्स। ज्यादा हो गया क्या आपके लिए? बढ़िया, मेरे लिए भी ठीक है। बताइए एक्स कितना आया है? 2,40,000 इज आवर टोटल परचेज, क्रेडिट इज 1,80,000, तो हम लोग का कैश परचेज कितना होगा? कैन यू गिव मी द आंसर? कितना? 2 लाख। चलिए राइट आया है आप लोग का। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। अगर किसी को डाउट है प्लीज हमसे पूछिए। आप किसी को डाउट है? गाइस हमेशा हर टॉपिक का 2 क्लास हो रहा है, 1 क्लास पढ़ाने के लिए और 1 क्लास वापस उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए। आर यू गाइस क्लियर टिल हियर? व्हाट इज माय क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन? मैंने क्या रेट लिखा है अगर आप बता सकते हैं तो? 34,000, 31,319, 29,000 क्रेडिट मेडिसिन के बाद है एडवांस टू सप्लायर्स। इंटरेस्टिंग। अब एक बात समझिएगा, मतलब मैं हम लोग जिनसे मेडिसिन खरीदते हैं उनमें कुछ लोगों को रुपया देना बाकी है और कुछ लोगों को हम लोग रुपया पता है क्या चीज में देता है? एडवांस। आई एम नॉट श्योर आप समझाए नहीं समझाए। तो दो वैरायटी का लोग हो गया है, एक जिससे हम लोग कुछ उधार में खरीदता है और एक हम लोग जिसको रुपया एडवांस में देता है। समझा गया? तो एडवांस टू क्या लिखा है मैंने? सप्लायर्स। एडवांस टू सप्लायर्स शुरू का डेट में है 26,000 और फिर है 32,000। तुम्हें बता सकते हैं ये दोनों डेटा क्या चीज के लिए यूज होता है? क्या निकालने के लिए? हमको रिप्लाई नहीं आया। जिनको रिदम है सुनना मेरा बात। क्रेडिटर इज अ व्हाट? लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन द, तो बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, फिर से आएगा टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि एडवांस टू सप्लायर इज अ व्हाट? एसेट। वो हम लोग का डेबिट में ओपन होगा और क्रेडिट में क्लोज होगा। क्या यहां तक समझ आ गया है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेरा ओपनिंग स्टॉक इज 86,000, मेरा ओपनिंग स्टॉक इज 86,000 एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक इज 39,000।
इतना तो ठीक है सबके लिए। कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ₹2,20,000, क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ₹4,99,000। अब तुम एक चीज फील करो, मैंने ऑलरेडी आपको क्या लिख के दे दिया है, मतलब क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और एडवांस सप्लायर का रत्ती भर भी इस सब में कोई काम डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकल देगा, टाइम समय कर लीजिए भाई। अब ये नहीं होगा तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, तुम एकदम गलत कोर्स में एंटर किया, दिस इज द चेक पॉइंट, ये नहीं हो रहा तो तुम नहीं हो सकते, तुम छोड़ दो कोर्स एग्जिट अभी एकदम तत्काल प्रभाव पे, कोई भी टीचर पढ़ा ले, ये नहीं हो तो छोड़ देना। ठीक है ठीक, ये इसमें भी सोच रहे लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस टैलेंटेड लोग, व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक प्लस व्हाट इज माय कैश परचेज, रिप्लाई नहीं आया है, व्हाट इज माय क्रेडिट परचेज माइनस व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक, इफ यू कैन गिव मी द आंसर इट शैल बी 7,00,000 डन। बट और कोई दिक्कत, अगर क्रेडिट परचेज नहीं देता तो लेजर बनता, क्या बोला समझ आ गया है। लास्ट एग्जांपल एंड वी डन विद अनदर टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक 7,000, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस 4,000, एडवांस टू सप्लायर्स ओपनिंग बैलेंस 6,000। तो आपने जो सप्लायर को एडवांस पे किया 6,000, ये आपने पता है कब पे किया था, लास्ट ईयर, पर इसका गुड्स कब मिलेगा, इस साल, इसके लिए हम लोग इसको पता है बोलता क्या है, एसेट्स, अरे बोलो हाँ या ना, क्लोजिंग स्टॉक 3,000, क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस 8,000, एडवांस टू सप्लायर्स क्लोजिंग बैलेंस 1,500, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू मैंने क्या लिखा है, क्रेडिटर्स 42,000, ये हम लोग का सम है। पहले हम कुछ पूछेगा, जो लोग का दिमाग एकदम ध्यान से चलता है, इस सम से ना एक डेटा मिसिंग है, सुनाई नहीं दिया, अब नहीं दिया हो तो उसको क्या मानना पड़ेगा, पर हम लोग एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका लेजर बना, अगर कोई क्रेडिटर बोलो गलत पढ़ाई कर रहा है, किसका लेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर भी और यहाँ पे एडवांस भी है। अबे हाँ या ना, ट्राई करिए देखिए क्या करते हैं।
ओके गाइस, हो जाना चाहिए था ये आप लोग का, हो गया क्या? अरे हम रुका हुआ आप लोग के लिए, लगाए फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस, प्लस क्या बोला आप लोगों ने, प्लस व्हाट? ठीक है, बहुत बढ़िया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? कैश परचेस को क्या लेना है और क्रेडिट परचेस अपने को निकालना पड़ेगा, एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है. तो मतलब बेसिकली मेरे को अब क्या कैलकुलेट करना है? अरे आप लोग का आंसर नहीं आया. और क्रेडिट परचेस कैलकुलेट करने के लिए मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा गाइज, इंपॉर्टेंट है. किसका लेजर बना रहे हैं? अब देखो भाई लोग, हमको गलती नहीं चाहिए. क्रेडिटर्स इज अ व्हाट? तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? बाई बैलेंस बीडी, बताओ कितना रुपया? अरे आंसर नहीं कर रहा है आप लोग. बाई बैलेंस बीडी कितना गाइस? फिर एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस, मैंने सप्लायर को एडवांस पे किया है, मेरे लिए क्या है? तो टू बैलेंस बीडी कितना? कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस दिया हुआ है? तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी इस साइड आएगा, टू बैलेंस सीडी कितना है, और जो सप्लायर को एडवांस दिया है उसका क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड. बाई बैलेंस सीडी. और एक लास्ट डेटा है, व्हाट इज द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स which is as good as suppliers basically, to bank kitna rupya? So the missing figure will be by purchases 50,000. Thank you. So we're gonna plus 50,000. Is that okay guys? अगर ये निकालने लग गया तो आप लोगों का टॉपिक क्लियर होगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन. तो आप एक बार टॉपिक का फ्लो समझिएगा. मैंने पहला दो एक सम करवाया होगा शायद, जैसे हम लोग ने खाली एक अकाउंट बनाया था, अकाउंट का नाम क्या था? रिसीट्स एंड पेमेंट्स. मैं आप लोग से वार्तालाप कर रहा हूँ. मैंने पहला सम क्या चीज का करवाया था आपसे, फिर मैंने आपसे एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट करवाया था, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन का सम्स करवाया है, और अब मैंने क्या चीज का सम करवाया है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा. ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन. अब गाइज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं ये जल्दी से बता दीजिए. ट्रीटमेंट ऑफ वर्ड गाइज डोनेशन. आपको याद है एनपीओ को जो रुपया मिलता है, एनपीओ को जो वो मेंबर्स से मिलता है, मेंबर्स रुपया देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉट? एंट्रेंस फी, वो मैंने पढ़ा दिया, सब्सक्रिप्शन, लाइव मेंबरशिप फी. यहां तक सबको क्लियर है? दूसरा मेजर सोर्स पता है क्या होता है? डोनेशन. और डोनेशन पता है कि एनपीओ को दो तरह का मिलता है, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन. मतलब मेरा क्लब को डोनेशन मिल रहा है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, स्पेसिफिक बस मेरे को डोनेशन मिल रहा है, पर्पस मेरे को बताया नहीं गया है उसका क्या होगा, वो अब मेरे को आपको समझाना है. क्या बोला, समझ में आ गया? ये समझाने के बाद हम लोग बड़ा समझ कर सकता है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो सबसे पहला टाइप का जो डोनेशन होता है, हाँ रिप्लाई बहुत खराब था, जनरल डोनेशन. नो स्पेसिफिक पर्पस हैज बीन मेंशन्ड, नो स्पेसिफिक पर्पस हैज बीन मेंशन्ड, नो स्पेसिफिक पर्पस हैज बीन मेंशन्ड. तो जनरल डोनेशन का मतलब है जिसका क्या मेंशन नहीं है गाइस. अरे फिर साइलेंट हो गया यार आप लोग. नो स्पेसिफिक पर्पस हैज बीन व्हाट मेंशन डैश, इट विल बी ट्रीटेड एज, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम. इसका कोई भी पर्पस नहीं है तो ये जनरल डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इनकम.
आपको जनरल डोनेशन और इनकम को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, काम का चीज तो खाली वही है, बाकी तो लिखवाना पड़ता ना फॉर्मेलिटी के लिए। तो जनरल डोनेशन वो है जिसका नो स्पेसिफिक पर्पस हैज बीन मेंशन, इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, इनकम। ये हो गया जनरल डोनेशन। पर जिंदगी में एक तरह का डोनेशन और होता है, स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर स्पेसिफिक पर्पस हैज बीन व्हाट मेंशन, स्पेसिफिक पर्पस हैज बीन व्हाट मेंशन डैश इट विल बी ट्रीटेड एज अ, इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। तो स्पेसिफिक डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज अ व्हाट, लायबिलिटी, क्योंकि वो डोनेशन का रुपया मिला ही उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो पर्पस जब तक फुलफिल नहीं होगा एनपीओ के लिए, वो रुपया पता है क्या माना जाएगा, लायबिलिटी। पर जनरल डोनेशन तो कोई पर्पस नहीं, तो रुपया आया आपने खोपचे में डाल दिया, उसका क्या माना गया, इनकम। इज दैट ओके डैश द अकाउंटिंग फॉर, द अकाउंटिंग फॉर the accounting for specific donation is called as fund based accounting। उम्मीद लगा रहे हैं सबको क्लियर है यहां तक, क्या बोला जाता है इस अकाउंटिंग को, चलिए बताइए ठीक है या नहीं है, कुछ पूछा है आप लोग से पूरा बैच विदाउट कोई कंफ्यूजन, पक्का कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अपने कॉपी में हेडिंग डाल के छोड़िए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये अपना लास्ट सब टॉपिक होगा बिफोर वी एंटर द बिग सेंस। ये एक ही क्लास का टॉपिक है, कल का सिंगल क्लास का होगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इट इज डूइंग इट इन विच लेक्चर, ठीक है, a very important 2 minutes, I want you guys to pay full attention. Fund based accounting karne ke baad, I'll give you a day's time to practice certain sums of subscription, fund based, cost of material consumed. Kyunki ye tino aapko aana padega before I teach the bigger sum. Is that clear to everyone? Ab mere kuch students yahan pe, un log ek specific exam likh rahe hain, us exam ka naam hai CUET. Theek hai na? To lecture 11 ke baad khali unke liye class hoga, jisme main MCQ solve karunga. ठीक है, तो जिसमें एमसीक्यूज करूंगा जिन लोगों को सीयूटी लिखना है, अगर कोई नहीं लिख रहा है तो दे कैन स्किप दैट क्लास आल्सो, तो सीए वालों के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस दे देगा हम, कि अगर किसी को मन है तो करिए, मोस्ट वेलकम, आपने फीस दी है, आप और क्लैरिटी चाहता है तो आप कर लीजिए एमसीक्यू और रिविजन करने के लिए, ठीक है। नहीं करना है तो जो सम्स देंगे उसको प्रैक्टिस करके क्लियर करिएगा, नहीं तो बड़ा सम्स हम नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ सम जेन्युइनली बहुत बड़ा है साइज में, तो वो हैंडल करने के लिए आपको सारा बेसिक पॉइंट आना पड़ेगा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है गाइस, यहीं से अपन कल का क्लास स्टार्ट करेंगे, विच इज लेक्चर नंबर 11।